निम्नलिखित के कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज लिखें। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे अनेकों एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होते हैं जो तुलना दिखाने के लिए अपना रूप बदल लेते हैं, और इनमें से प्रत्येक का तीन रूप हमें प्राप्त होता है, जिसे हम 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, अर्थात पॉजिटिव डिग्री, कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आज के इस वीडियो में मैं आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए बताऊंगा, और इससे संबंधित जितने भी रूल्स होंगे वे मैं आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करते हुए साथ साथ बताऊंगा। इसलिए आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, इसलिए आपको पेशेंस के साथ कंप्लीट वीडियो वॉच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि है ओल्ड, यह एक एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर एक चीज आप देखो, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, एल ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, अर्थात आप कह सकते हैं कि इस एडजेक्टिव के सबसे अंत का दो लेटर कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई एडजेक्टिव हो या फिर कोई एडवर्ब हो, यदि उसके अंत का अर्थात सबसे अंत में लगातार दो लेटर कॉन्सोनेंट रहे, तब उसे कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, ईआर यदि आप जोड़ देते हैं तो कंपरेटिव डिग्री में आ जाता है, और यदि आप ईएसटी जोड़ देते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर ओल्ड है और इसके अंत में लगातार दो लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ओल्ड लिखेंगे, ठीक है। अब इस ओल्ड में इस ई आर को लगा देंगे, ओल्डर। अब देखो, ओल्ड हो गया पॉजिटिव डिग्री और ओल्डर क्या हो गया, कंपरेटिव डिग्री हो गया, ठीक है। अब इसे ही आपको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है, तो पहले आप क्या करेंगे, ये जो ओल्ड है आप लिख लेंगे। अब इस ओल्ड में आपको ईएसटी जोड़ देना है, ओल्डेस्ट। अब ये क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री में आ गया, ठीक है। अब जैसे कि यहां पर है पुअर, अब यहां पर एक चीज आप देखो, आर क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इस कॉन्सोनेंट के ठीक पहले वो यहां पर दो बार आया है, अर्थात आप कह सकते हैं कि यहां पर दो वोवेल्स है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले कम से कम दो वोवेल हो, ठीक है, तब उसे हम कंपरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, यदि हम कंपरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो ई आर जोड़ देंगे, ठीक है, और यदि हम सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे तो ई एस टी जोड़ देंगे। क्लियर है, देखो इसके अंत में एक कॉन्सोनेंट है और इसके पहले दो वोवेल है, वो दो बार आया है, ठीक है, तो इसे कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए ई आर और ई एस टी क्रमशः जोड़ देना है। इतना क्लियर है, तो पहले हम पुअर लिख लेंगे। अब पुअर में क्या करना है, ई आर जोड़ देना है, पुअरर, ठीक है, फिर से पुअर लिख लेंगे और इसमें क्या करेंगे, ई एस टी जोड़ देंगे, पुअरेस्ट। ये आ गया सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट। अब देखो यहां पर क्या है, रिच। अब देखो, रिच के अंत में एच क्या है, कॉन्सोनेंट है, सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, अर्थात आप कह सकते हैं कि इसके अंत में लगातार दो क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ई आर और ई एस टी जोड़कर इसे कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदल देंगे। इस तरह से रिच है, इसमें ई आर जोड़ देंगे, रिचर हो गया, ठीक है, फिर से रिच लिख लेंगे और इसमें ई एस टी जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये आ गया सुपरलेटिव डिग्री में। अब देखो स्ट्रॉन्ग है, यहां पर भी क्या है, जी कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, तो ई आर जोड़ देंगे और ई एस टी जोड़ देंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग आ गया, इसमें ई आर लगा देंगे, स्ट्रॉन्गर, ठीक है, फिर से स्ट्रॉन्ग लिख लेंगे और इसमें ई एस टी जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आ गया। जैसे क्या है यहां पर फास्ट, देखो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है, अर्थात आप कह सकते हैं कि अंत में लगातार दो कॉन्सोनेंट है, तो ई आर और ई एस टी जोड़कर इसे हम कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदल देंगे। तो पहले इस तरह से आपको लिख लेना है फास्ट, अब इसमें आपको ई आर जोड़ देना है, फास्टर, ठीक है, फिर से लिख लेंगे फास्ट और इसमें हम ई एस टी जोड़ देंगे, ठीक है, फास्टेस्ट। अब जैसे कि यहां पर है वाइज, अब यहां पर आप देखो कि अंत में क्या है, ई है, ठीक है, और इस ई के पहले ये जो एस है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो आपको सिंपली ध्यान रखना है, चाहे कोई एडजेक्टिव हो या फिर कोई एडवर्ब हो, यदि उसके सबसे अंत का लेटर ई रहे, ठीक है, और उस ई से पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे, तब उसे
कंपरेटिव डिग्री में बदलने के लिए आपको क्या करना है कि सिर्फ आर जोड़ना है, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए सिर्फ एसटी जोड़ना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो अंत में ई है और इस ई से पहले ये जो एस है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसमें आर जोड़ेंगे तो ये कंपरेटिव डिग्री में आ जाएगा, और जब आप इस वाइज में एसटी जोड़ेंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आ जाएगा। कैसे आएगा, जैसे कि है वाइज, तो पहले हम वाइज लिख लेंगे, अब इसमें सिंपली हम आर जोड़ देंगे। मैंने यहां पर आर जोड़ा, वाइजर, ये आ गया कंपरेटिव डिग्री में। अब आपको इसे सुपरलेटिव डिग्री में ले जाना है, तो पहले आप क्या करेंगे, वाइज लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो वाइज में क्या करना है, सिंपली आपको एसटी जोड़ देना है, एसटी, वाइजेस्ट, ये आ गया सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि अंत का लेटर ई रहे और ई के पहले कोई कंसोनेंट रहे तो उसमें आपको केवल आर और केवल एसटी जोड़कर क्रमशः कंपरेटिव और सुपरलेटिव में बदलना है। जैसे कि यहां पर है प्रेम, देखो अंत में क्या है, ई है, और ई के पहले भी ये क्या है, आपका कंसोनेंट है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ आर और एसटी जोड़कर इसे क्रमशः कंपरेटिव और सुपरलेटिव में बदल देंगे, ठीक है। तो पहले आप ब्रेव लिख लेंगे, इस तरह से ब्रेव आ गया। अब इसमें सिंपली आपको आर जोड़ देना है, ये आ गया कंपरेटिव डिग्री में, ठीक है। फिर से हम क्या करेंगे, पहले ब्रेव लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, केवल एसटी जोड़ देंगे, ठीक है, ब्रेवेस्ट, ये आ गया सुपरलेटिव डिग्री में। अब देखो यदि पॉजिटिव डिग्री एक्स लेवल का है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि यहाँ पर टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और इस कॉन्सोनेंट के पहले ओ क्या है, वोवेल है, अर्थात यदि पॉजिटिव डिग्री एक्स लेवल का रहे, अर्थात उसके अंत में यदि एक कॉन्सोनेंट रहे और उस एक कॉन्सोनेंट के पहले कोई वोवेल रहे, तब इसे हम कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात, ये जो सबसे अंत में कॉन्सोनेंट रहता है इसे हम डबल कर देते हैं, अर्थात जैसे कि यहाँ पर व्हाट है, ठीक है, तो पहले आपको व्हाट लिख लेना है, अब सबसे अंत में क्या है, टी, तो इसे हम डबल कर देंगे, अर्थात आपको एक और टी प्रयोग कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको इसमें ईआर जोड़ देना है, ठीक है। तो अब ये कंपरेटिव डिग्री में आ गया, हॉट, हॉटर। अब जब इसे आपको सुपरलेटिव डिग्री में ले जाना है तो पहले आप क्या करेंगे, हॉट लिखेंगे, ठीक है। अब इस टी को आपको डबल कर देना है, एक और टी आ जाएगा। इसके बाद आपको इसमें ई एस टी जोड़ देना है, इतना, ठीक है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री में आ गया, ठीक है। तो अर्थात आपको बात क्या समझ में आया कि यदि पॉजिटिव डिग्री एक्स लेवल का रहे, अर्थात अंत में एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वोवेल रहे, तो जो लेटर सबसे अंत में रहता है, जैसे कि यहाँ पर टी है, ठीक है, तो इसे हम डबल कर देते हैं, है ना, यहाँ पर टी है तो फिर से मैंने टी कर दिया। उसके बाद ई आर और ई एस टी क्रमशः जोड़कर कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदल देते हैं, क्लियर है। जैसे कि है रेड, देखो यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट है और इसके पहले एक वोवेल है, डी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ई क्या है, वोवेल है, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि है रेड, ठीक है, अब ये जो अंत में डी है इसे आप डबल कर देंगे, और इसके बाद आपको इसमें ई आर जोड़ देना है, रेडर, ठीक है, ये कंपरेटिव डिग्री में आ गया। अब इसे आपको सुपरलेटिव डिग्री में ले जाना है, तो पहले आप क्या करेंगे, रेड लिखेंगे, अब पहले हम इस डी को डबल कर देंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें ई एस टी जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये आ गया सुपरलेटिव डिग्री में। अब जैसे कि है फैट, तो पहले हम क्या करेंगे, फैट लिख लेंगे, अब यहाँ पर टी को डबल कर देंगे और इसमें ई आर जोड़ देंगे, फैटर। अब इसे हम सुपरलेटिव डिग्री में ले जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले हम फैट लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर टी को डबल कर देंगे और इसमें ई एस टी जोड़ देंगे, ठीक है, फैट, फैटर, फैटेस्ट। अब जैसे कि यहाँ पर है हैप्पी, तो आपको ध्यान रखना है, चाहे कोई एडजेक्टिव हो या फिर कोई एडवर्ब हो, यदि उसके सबसे अंत का लेटर वाई रहे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर वाई है, ठीक है, और वाई के पहले यदि कोई कंसोनेंट रहे, ठीक है, तब आपको क्या करना है, इस वाई को आपको आई में बदल देना है। कैसे बदलेंगे, तो जैसे कि वाई को छोड़कर एच ए डबल पी पहले इतना लिख लेंगे, अब ये जो वाई है इस वाई के बदले आपको आई प्रयोग करना है, ठीक है, और इसमें आपको ई आर जोड़ना है, बात समझ में आ रहा है, ये जो वाई है, ठीक है, इस वाई के बदले आपको क्या करना है, आई प्रयोग करना है,
ठीक है, और इसके बाद आपको इसमें ईआर जोड़ देना है, तो ये आ गया आपका कंपरेटिव डिग्री में। अब इसे आप सुपरलेटिव डिग्री में बदलेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, सेम प्रोसेस एच ए डबल पी इतना लिख लेंगे। अब देखो ये जो वाई है, इस वाई के बदले आई आएगा, ठीक है, तो ये प्रोसेस सेम रहेगा, वाई के बदले आई आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ई एस टी, ई एस टी जोड़ देंगे, तो ये आ गया सुपरलेटिव डिग्री में, हैप्पी हैपियर हैपीएस्ट, ठीक है। अब जैसे कि है केयरफुल, तो आपको ध्यान रखना है चाहे कोई एडजेक्टिव हो या फिर कोई एडवर्ब हो, यदि वो तीन सिलेबल का हो या फिर तीन से अधिक सिलेबल का हो, तो उसे हम कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलने के लिए क्या करते हैं, मोर और मोस्ट प्रयोग कर लेते हैं। तात्पर्य यह है जैसे कि है केयरफुल, तो ये क्या हो गया, मोर केयरफुल, ठीक है। फिर इसे सुपरलेटिव में बदलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मोस्ट केयरफुल, ठीक है, केयरफुल, मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। अब जैसे कि देखो यहां पर गुड है, अब यहां पर एक चीज आप समझो, जैसे कि गुड हो गया, मेनी हो गया, देखो कुछ एडजेक्टिव और कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जिन्हें जब हम कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो बिल्कुल नया शब्द आता है, तो इसे आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि है गुड, तो इसका कंपरेटिव क्या हो जाता है, बेटर, और इसका सुपरलेटिव क्या हो जाता है, बेस्ट, तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। जैसे कि है मेनी, तो इसका इसका भी जब हम कंपरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में बदलते हैं तो इसमें भी बिल्कुल नया शब्द आता है, जैसे कि है मेनी, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहां पर मोर, ठीक है। कंपरेटिव डिग्री क्या हो गया, मोर, और सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोस्ट।